स्टूडेंट्स में अभिनव आपका सरस्वती वाणी के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में विज्ञान में विद्युत के बारे में, ठीक है। अब देखो एक बच्चे ने क्या किया, एक आलू लिया, ठीक है। वो आलू को उसने आधा काट दिया, ठीक है ना। अब क्या किया, आलू को काट के उसने दो तांबे के तारे आलू के अंदर एंटर कर दी, ठीक है ना, एक तांबे और एक तांबे, और इसको किसे जोड़ दिया, बैटरी के प्लस भाग से और इस वाले को माइनस भाग से। वो ऐसा करके भूल गया बच्चा, ठीक है ना। फिर उसकी मम्मी आई, उसकी मम्मी ने ऑब्जर्व किया कि जो तांबे की तार बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ी हुई थी वहां पे क्या हो गया, नीले हरे रंग का धब्बा उत्पन्न हो गया, ठीक है। फिर उसकी मम्मी ने उसको बच्चे को बुलाया कि बेटा ये हरे रंग का धब्बा उत्पन्न हो गया, ठीक है, इधर प्लस टर्मिनल के पास। तो इससे क्या हुआ, बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि जो सिरा बैटरी के प्लस भाग से जुड़ा हुआ था उधर ही आलू में हरे नीले रंग का धब्बा पैदा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब एक बात और, अब उसने आपके आगे प्रोसेस में क्या किया, एक माचिस की डिब्बी ले ली खाली, उसके अंदर एक छोटा सा कंपास रख दिया, कंपास समझते हो ना, कंपास करता है, ठीक है। अब जैसे ही वो क्या करता था, इसको वापस अंदर डालता था तो ये सुई है ना कंपास की ये क्या होती थी, पीछे भी हो जाती थी। अब इससे हमको पता चलता है कि जो आलू है, आलू में क्या होता है, विद्युत की चालकता होती है, यानी कि आलू है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। और एक चीज और पता चलती है कि जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित होगी जो कंपास है उसकी सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। इससे एक चीज और पता चलती है कि कंपास की सुई विक्षेपित होने से क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और क्या होगा, अब थर्ड चीज और, अब जो तांबे की तार बैटरी के प्लस भाग से जुड़ी हुई थी और उसी सिरे पर क्या होगा, आलू में नीले हरे रंग का धब्बा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया था हमने, आलू की चालकता, और क्या करोगे इसको अच्छे से प्रैक्टिकल को समझोगे बुक से, है ना, याद करोगे और कॉपी में लिख लिख के देखोगे अगर याद हुआ तो। जब तक याद नहीं होगा तब तक आपने कॉपी में लिखते रहना है, ठीक है। तो क्या करोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।